بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. ये तो मेरा वन लाइन इंट्रोडक्शन है, लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है, इसलिए मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ताकि आप जो हमारी टॉक है आज की उसको मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ भी कोरिलेट कर सकें और अपने लिए कुछ बेनिफिशियल चीजें उसमें से ढूंढ सकें। सो मैं एक तो मेरे काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं एज अ स्टूडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स हैं, खास तौर पे मुख्तलिफ एंट्री टेस्टों में मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशंस विन की हुई हैं, और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था फ्रॉम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, राइट। सो वो वाला जो एक्सपीरियंस है पूरा वो भी मेरे पास है, और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन जो एजुकेशन का जो सेक्टर है इसको मैंने अपने शौक की वजह से ज्वाइन किया, राइट। सो ये मेरा पैशन है एजुकेशन, और मैं अभी करंटली भी एक गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ। और इसके अलावा टू रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, सीक एंड स्टेप, मैं इनका फाउंडर हूँ, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के नाम भी मैंने रखे और अल्हम्दुलिल्लाह इनको रोल आउट भी किया। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है topgrade.ek, इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडिंग एडटेक कंपनी है जिसने न्यू बेंचमार्क सेट किए हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह topgrade.ek है, और मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं इस कंपनी का भी फाउंडर हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। We had established it in back in 2017. और तकरीबन 10 साल से मैं स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस कोच का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोचिंग, गाइडेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करके उन्हें एनेबल किया है कि वो अपने करियर में अपने बेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं बेस्ट वैल्यू डिलीवर करूँ। सो आज भी इंशाल्लाह आपका जो मेरे साथ टाइम गुजरने वाला है तकरीबन 40 to 45 minutes, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इसमें इतनी वैल्यू डिलीवर करूँ कि लाइक आपके आप इस सेशन के बाद एनलाइटन्ड फील करें, राइट। सो इंशाल्लाह बहुत कुछ ऐसा वैल्यूएबल होगा आपके लिए जो कि सीखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी की पूरी एक रिसर्च टीम है, टॉपग्रेड की एक रिसर्च टीम है, और वो जो रिसर्च टीम है इसका काम यह है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ ये टीम इंटरेक्शन करती रहती है, राइट। डिफरेंट स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करके सर्वेस करके हम अल्टीमेटली उससे कंक्लूजन निकालते हैं। सो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन की है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, राइट आफ्टर द एग्जाम, राइट आफ्टर द रिजल्ट, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो विनर्स होते हैं, खासतौर पर अगर मैं नेशनल हैंडीकैप की बात करूँ तो जो विनर्स होते हैं वो सेम बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं तैयारी की तरह, और जो लूजर्स होते हैं वो तकरीबन सेम मिस्टेक्स कमिट कर रहे होते हैं, मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, लूजर्स टू मेक द सेम सिमिलर मिस्टेक्स। सो आई थिंक कि अब आप इस स्टेज पे इंटरेस्टेड होंगे भाई कौन से ऐसे सुनहरे असूल हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके जो विनर्स हैं वो विन करते हैं, और कौन सी ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं जो कि लूजर्स जनरली करते हैं जिन्हें आप अवॉइड करना चाहेंगे। कोर्स यू वांट टू नो, सो यहाँ पे मैं ओवरऑल कुछ सम अप कर देता हूँ कि यूजर्स और विनर्स की अप्रोच में एक ओवरऑल डिफरेंस क्या होता है। यू सीइंग हियर कि जो यूजर होता है या वो स्टूडेंट्स जो कि
एमडी कैट में या नेशनल एमडी कैट में एक सबको नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो ये नहीं देखेंगे अच्छा यार ये एग्जाम है इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं, ये डिफिकल्टी लेवल है, ये सिलेबस है, ऐसे तैयारी होनी चाहिए, वो इस तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे वो एमडीएस की तैयारी वैसे ही करेंगे जैसे सारे कर रहे हैं, किसी और को देख के अच्छा उसने कहा अकेडमी का दावा ले लिया जब मैं भी कर लेता हूँ, तो वो दूसरों को देख के अपने डिसीजन बनाते हैं। तो जो लोग दूसरों को देख के अपने डिसीजन बना रहे होते हैं, वो खुद से अपनी अकल से काम नहीं ले रहे होते, वो बकायदा तौर पर फेल होने की तैयारी करते हैं। इसके मुकाबले एक जो विनर स्टूडेंट्स का जो कॉमन ट्रेड मैंने देखा है, वो ये देखा है कि वो अपना माइंड यूज करते हैं और अपने माइंड को यूज करते हुए वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर वो अपने माइंड और हार्ट से बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजंस बनाते हैं सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। सो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अच्छा ये एग्जाम है तो ये इस वक्त हम खड़े हैं, तो वो अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली एग्जाम को अंडरस्टैंड करते हुए एग्जाम के साथ कैलकुलेट करते हैं, राइट, और नतीजतन एंड में कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। तो ये एक अप्रोच में ओवरऑल डिफरेंस होता है लूजर्स और विनर्स की, और भी इनके अप्रोच में डिफरेंसेस हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूंगा टाइम एंड टाइम। सो यहाँ पे आप ये देखें कि ये कोट आपके सामने है, व्हाइल इट इज वाइज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज वाइजर टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। एक्सपीरियंस से सीखना ठीक है, ये तो मंदी है, लेकिन अब जैसे इमेजिन करें कि अगर आप खुद एंट्री टेस्ट की रॉन्ग वे में तैयारी करें, फिर एंट्री टेस्ट में फेल हो, फिर अगले साल रिपीट करके अपने इस साल के एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाएं, एक वापस ये अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच क्या है कि आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से भी फायदा लें, और जो दूसरे आपसे सीनियर जो फेलिंग स्टूडेंट्स हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से भी बेनिफिट लें कि उन्होंने कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी की जिसकी वजह से वो फेल हुए, जिन्हें आप अवॉइड कर सके। सो मेरा काम ये है ओवरऑल कि मैंने आपको जो विनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और लूजिंग स्टूडेंट्स इनके जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो मैंने आज आपको बता दी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को टेलर करें। ये टॉप ग्रेड की टीम है, एक बिग टीम है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। So, इस टीम के बहुत सारे मेंबर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करते रहते हैं और ग्रेट इनसाइट इनटू दिस थिंग को बिल्ड करते हैं। ओके, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ही टफ है। अब ये कह लें कि ओवरऑल तकरीबन 200 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है, 200 में से एक बच्चा। से अगर पंजाब की मैं बात करूं, तकरीबन 70,000 बच्चा अगर नेशनल एमडी कैट में बीयर होगा, तो एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कोर्सेज को मिला के तकरीबन 3,500 के करीब बच्चे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिल होंगे। So, अब आप यहां से खुद अंदाजा लगा लें कि कितना टफ कंपटीशन है, और ये एक बच्चा 200 में से कौन होगा, ये वो वाला बच्चा होगा जो अपने आप को क्राउड से डिफरेंशिएट कराना सीखता है। So, एक ऐसा बच्चा जो कि क्राउड से हट के वो एक स्मार्टर बेटर एंड वाइजर अप्रोच अडॉप्ट करेगा एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, ये वो 200 में से एक बच्चा होगा, राइट। सो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, ये पहला बड़ा चैलेंज है। इसके बाद दूसरे नंबर पे टाइम बहुत शॉर्ट है। आप समझ लें कि तारीख में तकरीबन पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना कम टाइम मिला है बच्चों को एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आफ्टर सेकेंड ईयर एग्जाम्स। एक दफा 2011 में 48 डेज मिले थे, और एक अब इस साल जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको एफएससी के लास्ट पेपर के बाद 40 के करीब ऑन एवरेज मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि अब जो एग्जाम है ये कई दिनों तक या कई हफ्तों तक चलना है, हो सकता है कि इससे एक दो वीक्स आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि टाइम शॉर्ट है। आमतौर पे आम दिनों में कैसा होता था, आम दिनों में ऐसा होता था कि प्रीवियस ईयर्स में
कि नेशनल एमडी कैट के बाद 3 से 4 महीने या इससे भी ज्यादा टाइम बच्चों को मिल जाता है तैयारी के लिए, जैसे लास्ट ईयर तकरीबन 6 मंथ से इससे भी ज्यादा टाइम मिला, राइट। लेकिन इस बार टाइम बहुत शॉर्ट है, सो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन 40 के करीब दिन आपको मिले तैयारी के लिए। सो ये अगला बड़ा चैलेंज है, और इन 40 दिनों में आपने जो पीएमसी का सिलेबस है उसको 4 से 5 दफा रिवाइज करना, क्योंकि एफएससी के लिए रिलेटिवली आप सुपरफिशियली चीजों को पढ़ते हैं, एंट्री टेस्ट के लिए आपने काफी सारा इन डेप्थ जाके चीजों को पढ़ना होगा। तो 4 से 5 रिवीजन्स मैं समझता हूं कि मैंडेटरी है फॉर बिकमिंग वन आउट ऑफ द 200 स्टूडेंट्स। अगर आपने 200 में से वो एक बनना है तो आपको 4 से 5 अच्छी वाली रिवीजन जो है स्ट्रेटेजिकली सिलेबस की करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि कन्वेंशनल एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करने का इस वक्त फैसला करते हैं तो ये आइडिया पूरी तरह फ्लॉप होता है। मैं इसके फेवर में अभी कुछ दलाइल भी दूंगा, और आप ओवरऑल आप हिल के रह जाएंगे कि यार अच्छा ये इस तरह से अकेडमी बजाहिर हमारे बेनिफिट में होती है, लेकिन कितने सारे लॉसेस होते हैं जो अपने पार्ट पे ले रहे होते हैं बाय जॉइनिंग द अकेडमी। अब अकेडमी वर्सेस ऑनलाइन, अब देखिए अकेडमी के कन्वेंशनल अकेडमी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या आ गए, बेताशा आपका टाइम वेस्ट होना है आने जाने में, लेक्चर्स के दौरान वो लेक्चर सुनने में जो आपको पहले आते हैं, आपके लेक्चर के दौरान आपको पता है कि जो एक दो फिलोसोफर होंगे उन्होंने जो थोड़ी डालनी है उसके अंदर, अनड्यू डिस्कशंस के अंदर, तो कितना सारा वो सारा टाइम अगर आपका सेल्फ स्टडी में जाता आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता। फिर इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे अगर मैंने इस वक्त नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी होगी मैं ये पसंद करूंगा कि मैं रात के टाइम पे बैठ के तसली से लेक्चर सुनूं, रात के टाइम पे बैठ के तसली से लेक्चर सुनूं और दिन के टाइम पे मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूं। लेकिन एकेडमी ने आपको तभी लेक्चर देने, आप सुबह सुबह जब आप आओगे फ्रेश फ्रेश माइंड के साथ एकेडमी ने आपको बोरिंग लेक्चर्स देने, और जब आप थक जाओगे तब एक मुश्किल काम आपके सामने आ जाएगा करने वाला, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा जो वो अडेप्टेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी से मुराद यह है कि जैसे जैसे आप सिस्टम में काम करते हो आपके मुताबिक एडजस्ट करें, आपके जैसे गलत सवालों का पूल इकट्ठा हो रहा है, आपके मार्क क्वेश्चन का पूल इकट्ठा हो रहा है, पास क्वेश्चन आप तरीके से कर रहे हो, हर एक टॉपिक की रिपोर्ट आपकी बन रही है, सो ये सिस्टम आपके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, लेकिन वहां पर ये भी नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला आज की अहम तरीन टिप मैं आपको देने लगा हूं, वो ये है कि अकेडमीज ने आपको अननेसेसरी बुक्स और नोट्स के साथ ओवरबर्डन कर। अब देखिए आपकी स्टोरी चलती कैसे है, जब आप अकेडमी ज्वाइन कर लेते, आज आप अकेडमी में गए, पहले दिन जनाब 4 लेक्चर हो गए, घंटे में उन्होंने आपको बता दी कि उनका कोई टेस्ट होगा, उस घंटे में पहले दिन देवी को ओरिएंटेशन का लेक्चर रखते हैं दिस सेट। अगले दिन आप जाओगे वो जनाब आपको आपको पकड़ा देंगे जी ये नहीं ये किताबें हैं हमारी जो कि उन्होंने आज से 10 साल पहले लिखी थी, तो ये किताबें बेटा जी ये किताबें भी आप लोगों ने पढ़नी है। अब आप अपनी क्या करोगे अपनी आप किताबों को वो जो नहीं उन्होंने दी आप उन सबको खंगालना शुरू कर दोगे, पहली दफा उनको पढ़ना शुरू कर दो। अब उससे अगले दिन आप अकेडमी में जाओगे वो अपना ऑनलाइन पोर्टल पढ़ा देंगे, और ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ अकेडमी के साथ साथ चले, वो ये चाहते ही नहीं है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर तैयारी कर सके, तो उन्होंने अकेडमी जो ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हैं उनके अंदर थोड़े सवाल है, लेक्चर जनाब ऑन ऑफ होते रहते हैं, सारे लेक्चर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है, रिवीजन नोट्स है ही नहीं, सो टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज भी नहीं है वो यूनिट वाइज है, पास क्वेश्चन का पूल किसी ने बनाया ही नहीं है, सो उनमें भी मसले हैं। सो देखें अब होता ये है आपने अब आप देखो आप लोगों के पास जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, अभी फर्स्ट करो आपके पास इतना टाइम है एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे 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 एग्जाम पास आएगा आपके पास टाइम ट्रिम होता जाना है, और आप लोगों ने क्या करना है आपने एग्जाम के पास जाते जाते अपना जो खिलाड़ा है वो पढ़ाते जाना है। कैसे पढ़ाओगे, पहले नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक्स तो है ही है वो तो चलो पढ़नी पड़नी है ऑफिस, नंबर दो पे अकेडमी की किताबें आ गई, फिर अकेडमी के जनाब वो उसका लर्निंग पोर्टल भी आ गया, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ टेक होम असाइनमेंट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रंग बिरंगे रिसोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे, अब उनको इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। सो आप 40 दिनों में क्या करोगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करोगे पढ़ेंगे नहीं। सो हमने जो रिसर्च की है लास्ट ईयर, जो टॉप ग्रेड की टीम ने रिसर्च की है लास्ट ईयर, उस रिसर्च में बहुत ही क्लियरली ये चीज सामने आई है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वो कौन सा था, दैट वाज यूजिंग अननेसेसरी रिसोर्सेस, अननेसेसरी रिसोर्सेस कि वो हर चीज पढ़ते हैं और इसी वजह से वो अपनी किताब ही नहीं पढ़ पाते, ठीक है, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग।
ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है कि वो स्कैटर्ड वे में तैयारी कर रहे हो। सो याद रखें कि अगर आप बहुत सारी चीजों के साथ, आप देखें एक टॉपिक आपने पढ़ना, उसके लिए आपने अगर 6 रिसोर्सेज खोले हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप ज्यादा वर्क गर्दानी करेंगे, आप पढ़ने पर टाइम कम लगाएंगे। सो ये बहुत ही अहम बात है। सो अकेडमीज ने आपको ओवरबर्डन करना ही करना है अननेसेसरी बुक्स और नोट्स के साथ। बहुत सारे टीचर्स ना, वो कैब है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग है, वो भी आपकी एक दो दिन की तैयारी है जस्ट। लेकिन अब क्योंकि आ गया सिलेबस के अंदर, आपका माइंड फ्रेश जाएगा, आपको पता नहीं है कि क्या इनके डाउट्स हैं, अब दुनिया जाकर नोट्स आप लोगों ने इकट्ठे करने शुरू कर देते। टीचर्स भी जब देखते हैं कि मैथ वाले टीचर जब देखते हैं कि जी अच्छा ये तो हमारी गेम अब इसमें भी शुरू हो गई है, एमकैट के अंदर भी शुरू हो गई है, अब वो उसको जना ओवर करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट का टीचर होता है, जैसे इंग्लिश का टीचर आपको अकेडमी में इंग्लिश ऐसे पढ़ाएगा जिसे आपने सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी, बाकी आपने और कोई मजमून नहीं पढ़ना, उस लेवल पे जाकर आपको पढ़ाना चाहता है। लेकिन आपने, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग बकेट्स हैं, हर एक को आपने खुद से मैनेज करना है। और इसके अलावा टेस्टिंग सिस्टम के जो मसले मैंने आपको ऑलरेडी बेताशा बता दिए, टेस्ट थोड़े होंगे और उसके अलावा आपकी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, यूनिट वाइज होंगे, डिस्कशंस लेट होंगी, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के आप टेस्ट नहीं दे सकते, पास क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, 100 मसले हैं टेस्टों के अंदर एकेडमी के। फिर सिलेबस कवरी लेट होनी हो रही है, अब 40 दिन में कौन सा जादू चलाएंगे कि आपके फौरी तौर पर सिलेबस कवर करा दें। ऑनलाइन में तो ये है ना कि अगर आप चाहो आप बैठो आप पूरी पूरी रात लेक्चर सुन के जल्दी से सिलेबस कवर करो, आप टेस्टों के ऊपर आ जाओ, आप कर सकते हो। फिर रीवीजन के लिए टाइम नहीं बचना आपके पास, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी एकेडमी ने आपको नहीं दे रही। अकेडमी ने आपको ये नहीं बताना कि आपकी तैयारी इतने फीसद हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स भी मैंने सारे पोर्टल्स देखे हैं, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स हैं, लाइक टॉप ग्रेड का 8वां हिस्सा होंगे, इतने लिमिटेड फीचर्स हैं, और वो भी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी से यूज नहीं करने दिए जाते, ठीक है, चूंकि अकेडमी चाहती है कि बच्चा अकेडमी आता रहे। और इसके अलावा आपको वेट भी करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट होगा तो तैयारी शुरू होगी। जैसे जी आपने अगर अकेडमी का सेशन 28 जुलाई को शुरू हो रहा है, आप 28 जुलाई से उसको ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऑनलाइन के अंदर ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन में सारे फायदे हैं, आपका टाइम बचता है, जैसे मर्जी पढ़ो जब मर्जी पढ़ो, और सिर्फ जो हमने टॉप ग्रेड के अंदर दे दिया, टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, बस ये टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, इनको कवर करने के लिए आपको डेली बेस पे 12 से 14 घंटे चाहिए। और आप सारी अकेडमीज के ऑनलाइन भी मिला लो, इनकी टेस्ट वो सारी अकेडमीज के रियल वर्ल्ड टेस्ट भी मिला लो, सबको मिला के जितना बनेगा टॉप ग्रेड अकेले में उतना बन जाता है, इतना बड़ा ये पूल है क्वेश्चंस और डेटा का। सो दिस इज लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड्स, इस पावर को आप लोग यूज करो। और किया भी हमने तो इसको एज अ सर्विस ही किया है कि इसको हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया हो, हमारे चार्जेस इसके 20,000 रुपीज थे, हमने इसको रिड्यूस करके ओनली 5,000 कर दिया इस प्रोग्राम के, कि बच्चे मैक्सिमम इससे बेनिफिट है। So, एक एकेडमी जहां पे आपसे 40 to 45,000 चार्ज करेगी, वहां पे जस्ट 5,000 इज नथिंग। सो ये 1/8 प्राइस पे मैं कहूंगा 8 गुना ज्यादा बेहतर तैयारी आप लोग इसमें से। लेकिन जो जस्ट जो वाइज स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं। सो टेस्टिंग सिस्टम इसमें आपने देख लिया ऑलरेडी कितना पावरफुल है, सिलेबस कवरेज आप जैसे मर्जी कर लो, जितनी जल्दी करना चाहो कर लो, ठीक है, रिवीजन आप जितनी मर्जी करो रिवीजन नोट्स के थ्रू भी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग वो आपके पास है, अनलिमिटेड फीचर्स हमारे पोर्टल के अंदर, और सारा कॉन्टेंट ऑल टाइम अवेलेबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा जी ये लेक्चर गायब हो गया ये आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, सारा कंटेंट फ्लेक्सिबली आप इम्तिहान तक यूज करो। और आपको सेशन स्टार्ट करने की स्टार्ट होने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आज आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करो, आपका सेशन आज से शुरू। सो ये हमने डिसएडवांटेजेस देख लिए, अब मैं फाइनली सम अप करूंगा टॉप ग्रेड और पीके को कन्वेंशनल एकेडमी के ऊपर क्यों प्रेफर करो। एक तो कन्वेंशनल एकेडमी के डिसएडवांटेजेस इसने खत्म करने हैं, आपको पर्सनलाइज प्रेपरेशन ऑफर कर देनी है, सेशन प्लानिंग जो है वो बड़ी वाइज और स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए वो झलक आपको दिखा देता हूँ, उस फुल ओरिएंटेशन को देने का टाइम तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ये वाली ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, उनकी पूरी मैं अप्रोच बना रहा हूँ इसके हवाले से। सो ये मैं आपको भी शो करता हूँ कि देखें ये कितनी सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। सो मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा कुछ क्लूज दे देता हूँ कि ये जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा सेपरेटली अभी टाइम स्पेंड होना है, और उनको मैंने सारा गाइड करना है कि उनके सारे स्टडी रिसोर्सेज मैं खुद उनसे बैठ कर लिस्ट बनवाता हूँ एक्टिविटीज के थ्रू, फिर उनके इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए उसका एक ही दफा तैयार करवा देता हूँ, उसके ऊपर माइंड क्लियर करता हूँ, फिर डेली रूटीन उनकी सेट करवाता हूँ, फिर उसके बाद उनको स्केड्यूल पूरा समझा के उनको ओवरऑल स्ट्रेटजी बनवा के देता हूँ प्रेपरेशन की, और उसके बाद फिर
उनको जो है वो टॉप ग्रेड डॉट पीके को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना अलग से सिखाता हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, फिर उनके माइंड को प्रोग्राम करता हूँ हर एक सब्जेक्ट और टॉपिक के लाइन ऑफ एक्शन के हवाले से इस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और उसके बाद जो है उनको हर सब्जेक्ट के वाइज टिप्स देता हूँ कि फिजिक्स की तैयारी में ये रूल फॉलो करने हैं, केमिस्ट्री में ये रूल फॉलो करने हैं, बायोलॉजी में ये रूल फॉलो करने हैं और इंग्लिश में ये रूल फॉलो करने हैं, सारी उनको मैं टिप्स देता हूँ। उसके बाद फिर उनको मैं लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटजी बना के देता हूँ, फिर उनको ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उनके रोल्स बताता हूँ, उनके पास जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस आते हैं उन सिनेरियोस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, और हर टेस्ट के बारे में बताता हूँ किस तरह से आपने रियल एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में टेस्ट देना है, और रियल एग्जाम को पूरा विजुअलाइज करवाता हूँ, और उनको सजेस्ट करता हूँ कि दूसरे वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ तैयारी करें, और इसके अलावा जो है स्किल्स को किन किन स्किल्स के ऊपर काम करना है उनको पूरी स्किल्स की एक लिस्ट बनवाता हूँ, जी बुक रीडिंग, टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं उनको अलग से सिखाता हूँ, फिर उनसे मैं फीडबैक भी लेता हूँ। सो ओवरऑल जो है हमारा ये अभी ये सेशन इंशाल्लाह अभी मैंने जो स्टूडेंट्स हैं ये सेशन मैंने कल पे शिफ्ट कर दिया, सो जो भी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे टॉप ग्रेड को वो ये वाला सेशन भी उनको एक यूनिक लिंक आएगा, ये तो जेनेरिक लिंक आपको आया है जो सारे बच्चों को जाता है हमारा, उनको सिर्फ पेड का एक सेपरेट हमारा लिंक है वो आएगा, उसके थ्रू उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, और ये अच्छी खासी रिसर्च है। अब ये कह रहे मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है इसके थ्रू मैं बच्चों की पूरी अप्रोच बनाता हूँ कि पूरे सेशन के दौरान बच्चे को दोबारा ये ना सोचना पड़े कि मैंने क्या करना है, ये उसको क्लियर हो, अब कैसे करना है, वो हो रहा हो क्या और कैसे करना है ये क्लियर हो, बस अब वो उसके स्ट्रेटजी के मुताबिक ड्राइव करता जाए। अब बार बार अगर पीछे मुड़ के देखेगा यार ये किताब ने ये पढ़नी है, ये यहां से करना है, फिर उसकी तैयारी जो वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा मसला एक आता है कि टॉप ग्रेड के हवाले से गाइड किया कि वाइज एंड स्ट्रेटेजिक सेशन प्लानिंग है, फिलहाल जो सिचुएशन उसको जेन में रख के हमने बनाई, और पूरा कंटेंट 24/7 अवेलेबल है, और आपको आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी आपके टाइम की और मनी की, आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो इंशाल्लाह। आप टॉप ग्रेड के साथ अगर आप ये डेली 12 से 14 घंटे लगाते हैं, ठीक है, इन 12 से 14 घंटों में हमने आपकी सारी सेल्फ स्टडी करानी, आप लेक्चर सुनेंगे वो भी सेल्फ स्टडी है आपकी, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सुनेंगे, चाहे तो लेक्चर की स्पीड बढ़ा के सुन लें, सिर्फ वो लेक्चर सुन लें जिनमें से आप वीक है, जिन टॉपिक्स में से रियल नोट्स देखेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, टेस्ट अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे, साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर स्मॉल वॉट्स में आप सारा नॉलेज अपने अंदर ले जाएंगे, यानी कि आपने छोटे एक टॉपिक को पढ़ा उसके थोड़े से पास क्वेश्चन का टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, उसका लेक्चर सुन लिया, और उसके बाद आपने उसको मजीद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली अगले टॉपिक पे, तो पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ के इतने बड़े बड़े निवाले नॉलेज के निकलना बड़ा मुश्किल है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स की शक्ल में सारे के सारे जो लर्निंग है ये आपके पास चली जाएगी। फर्स्ट करेंगे पहले 30 दिन में आप टॉप ग्रेड से 10,000 सवाल कर लेते हो या 8,000 सवाल कर लेते हो और आपकी बेसिक तैयारी हो जाती है, आप लेक्चर सुन लेते हो, रिवीजन नोट्स सुन लेते हो। आखिरी दिनों में आपने क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना है, किताबें आपके पास पड़ी होंगी, सवाल पढ़ते जाना है, जो गलत हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, फिर भी मसला आता है तो किताब खोल के देखो अच्छा हाँ यार ये ऐसे था बस। तो आखिरी दिनों में हम रिकमेंड करते हैं कि डेली बेस पे 800 से 1,000 एमसीक्यूज करें, सो आखिरी 10-12 दिनों में या 15 दिनों में हमारे बच्चे अपनी प्रेपरेशन को सिंपली 2 से 0 दे देते हैं। इस तरीके से हमने स्ट्रेटजी ये वाली बनाई है, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, और ये जो स्केड्यूल मैंने दिया है ये स्केड्यूल एक्सक्लूसिवली है टॉप ग्रेड के हिसाब से स्टडी करने की, क्योंकि हमने इन चीजों को स्केड्यूल को और टॉप ग्रेड को यूं ऐसे आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हर मजमून की तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए लूजर की अप्रोच और विनर की अप्रोच में फर्क देख लेना। लूजर क्या करेगा, वो हर चीज हर जगह से पढ़ने की कोशिश करेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो अपनी किताब नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सारा कुछ सारी जगह से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है भाई खुदा के लिए आपकी अपनी टेक्स्ट बुक वो तो पढ़ लो, अब पंजाब वाला कहेगा मैं फेडरल पढ़ लू, फेडरल वाला कहेगा मैं पंजाब पढ़ लू, ये दोनों कहेंगे हम केबी के वाले पढ़ ले, भाई आपका 95% से ज्यादा पेपर आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में से आता, अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज एक तो सवाल बाहर से आ भी जाएंगे कोई पहाड़ नहीं टूट चला, आप एक नया रिसोर्स आप मुझे खुद बताओ आप अफोर्ड करते हो कि आप एक सब्जेक्ट की नई बुक पकड़ के आप 40 दिन में पूरी बुक पढ़ने के लिए बैठ सको, आपका 3-4 गुना ज्यादा टाइम लग जाता तो, और वैसे भी जो आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ ना कुछ चाहिए तो हमने टॉप ग्रेड में कवर कर दिया, अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो अगर आप फेडरल की बुक में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमने टॉप ग्रेड के लेक्चर्स में नोट्स में क्वेश्चंस में दे दी है, आपको जरूरत नहीं है, इवन ए लेवल की भी हमने इन्फॉर्मेशन वहां पे दे दी, ठीक है, सो हमने आपके लिए चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा आसान कर दी हुई, सो हर चीज हर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो विनर है ना इससे ज्यादा कि क्या पढ़ना है वो ये जानता है कि क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी हम FPIC या AAMC की जो बुक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है ए लेवल की बुक चाहे इनको पढ़ लें,
भाई उन्होंने सिलेबस में खुद ही लिखा हुआ है कि नहीं जरूरत इनको पढ़ने, तो नहीं पढ़ना आपने। अब विगल क्या करेगा, वो अपने स्टडी रिसोर्सेज को लेके बड़ा चूजी होगा, वो गए वो बड़ा फोकस करके यार ये मैंने यहाँ से ऐसे पढ़ना है बस, वो बड़ा चूजी होगा और उसका फोकस लाइक अ लेजर बीम अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर और पीएमसी के सिलेबस पे होगा। सो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक के ऊपर बड़ी बड़ी लाल रंग से ब्रैकेट लगा दें, बस वही आपकी मेन तैयारी है। हर वो चीज अहम है जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, हर वो चीज भी अहम है जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक को समझने में मदद देती। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा लेक्चर, कोई भी ऐसा स्टडी रिसोर्स या टेस्ट जो आपको आपकी बुक से या पीएमसी के सिलेबस से दूर लेके जाए, आपने उसकी जान छोड़ देनी, आपने उसको नहीं कवर करना। टीचर्स अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए दुनिया जान को उल्टे सीधे क्वेश्चन क्लासों में फ्लोट करते हैं, बच्चे की आदत होती है कि जो वो आसान चीजों की तरफ छोड़ के सिंपल स्ट्रेट पाथ को छोड़ के वो मुश्किल चीजों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद मैं मुश्किल करूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। भाई मुश्किल के नंबर नहीं है, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है बस उसके नंबर है। एग्जाम को समझ के उसके मुताबिक तैयारी करो, और एग्जाम जो है वो ठीक है, एग्जाम के लिए पर्टिकुलर वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचर ने एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टीचर ने मजमून ऐसे पढ़ाना है, इंग्लिश वाले ऐसे पढ़ानी है, जो इंग्लिश उसने ग्रामर 10 साल में सीखी है उसने आपको ये 40 दिन में सिखाने की कोशिश करनी। तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ओके, अब देखें कि ये क्लियर लाइन ऑफ एक्शन हमने दे दी है टॉपिक्स की तैयारी के लिए, कि बस इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे, ये भी अगर फर्ज करें कि आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप वीडियो लेक्चर जो है वो तो आप उसको डिटेल से देख लें, एक दफा नहीं समझ आया दूसरी दफा फिर देख लें। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी टॉपिक प्रिपेयर्ड है आप ये वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, सीधा स्लाइड्स देखिए और टेस्ट पे चले जाएं। वीडियो लेक्चर्स आई वुड से प्लस माइनस, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो आपको लेक्चर की जरूरत है या नहीं, अगर है तो ले लें। रिवीजन स्लाइड्स 100% पढ़नी है, क्यों, क्योंकि आखिरी दिनों में इन्होंने आपको हेल्प करना रिवीजन की। टेक्स्ट बुक 100% पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है कि जब एक दफा टेक्स्ट बुक आप पढ़ लें बार बार सारी बुक पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलना। इसके अंदर ऐसे निशानियां लगा लें, अंडरलाइन कर लें, स्टार वगैरह लगा लें और फास्ट भी नोट्स अंदर कंबाइन कर लें कि बाद में आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं, ठीक है। सो आपने जब टेक्स्ट बुक पढ़नी है इस सोच के साथ पढ़नी है कि दोबारा टेक्स्ट बुक को इतनी डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं मिलना। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे फॉर्मूला ऐसी जो चीजें हैं ना उनको शॉर्टलिस्ट अलग से आप करते चले जाए, ठीक है। लेकिन आपने दोबारा पढ़ने के लिए बहुत कम आपको टाइम मिलेगा। रिवीजन के अंदर जैसे देखे ना डेली आप एक एक चैप्टर के ऊपर 3-3 घंटे लगा रहे हो, अब जब आपका क्वार्टर सिलेबस टेस्ट होगा सारे मजमूनों का इतना टाइम आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और उसके बाद फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने 100% करनी ही करनी है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स में आप भले पहले 50 सवाल फिर 50 सवाल फिर 100 सवाल पास क्वेश्चंस कभी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, सो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली टेस्ट जनरेट करते जाना और तैयारी करते जाना, जो गलत हो एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना, बस ये रूल है। सो उसके बाद जो है वो ये बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके लिए आपने स्कैटर नहीं करना अपने आप को। अगर आपने स्कैटर कर दिया, अगर आपने जनाब वो बुक से किताबें पकड़ ली इधर उधर से और फिर दोबारा वही रश लगा लिया अपनी तैयारी के अंदर, तो आपकी तैयारी नहीं होनी, मैं आपको पहले बता दूं। इससे सिर्फ स्ट्रेस ऐड होगी, आपकी तैयारी बुरी तरह मुतासर होगी और आपका नेशनल एप्लीकेट का स्कोर दबाव बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और मेरे 100 दफा समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इस चीज से बाज नहीं आते। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि topgrade.pk के लेक्चर, रिवीजन नोट्स, एमसीक्यूज और आपकी अपनी किताबें, बस ये इतना काम है कि ये इतना काम ही आप कर लें तो बहुत बड़ी बात है, टूट्स वेरी स्पिरिट। अब एक एक टॉपिक को आपने तैयार करना है, उसके लेक्चर देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, फिर रॉन्ग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, पास की करोगे, तो ये पूरा सर्कल है। हो सकता है कि आप टेस्ट 2 टॉपग्रेड में से एक टॉपिक का और आप किसी और अकेडमी का टेस्ट जाके देखो यार इसमें नए क्वेश्चंस हैं। भाई जब टॉप ग्रेड का किसी भी यूनिट का पूरा क्वेश्चन पूट कर लोगे ना, जैसे हमने 4 शॉर्ट मोशन में 500 MCQ दिया है, जब आप 500 कर लोगे आपको सारा कुछ ही आता होगा, हर अकेडमी के टेस्ट आपको आते होंगे, आपको सारा कुछ ही आता होगा, ठीक है। सो ये काफी है। बस इंग्लिश के लिए याद रखना, इंग्लिश में 3 बड़े एरियाज है, आपस वोकैब है, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अंसी नानी है सारी, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का फायदा नहीं है। अब बच गया पीछे क्या, ग्रामर, ग्रामर बच गया। अब जो ग्रामर है ग्रामर पे आपने फोकस करना है। अगर 20 MCQ आ रहे हैं इंग्लिश में से, 5 वोकैब के आ जाएंगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन के आ जाएंगे, तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन बस इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर एमसीक्यू आपने कर लिया तो कर लें,
इसके ऊपर आप, मैं कहूंगा इवन 5-5 घंटे भी लगा देना बहुत है, कंप्रिहेंशन में मैं कहूंगा 1 घंटा लगा देना बहुत है। ग्रामर वैसे भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे आपके पास तो कॉल मिस्टेक्स है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, ठीक है, ये वो 3-4 चीजें हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं अक्सर एंटीडस स्पॉट दी एरर ऑफ सेंटेंस करेक्शन के, जो सिंगल बेस्ट सेंटेंस के आने हैं, तो आप इसको तैयार करो। और इंग्लिश जो आप देखो, अब इंग्लिश अगर मैं देखूं, मैं देखता हूँ अकेडमी ने इतनी मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी, बेटा इंग्लिश किताब, अब कोई किताब भी मैंने ऐसी नहीं देखी अभी तक किसी अकेडमी की जो कि मैं कहूँगी यार ये वाकई बच्चे 40 में पढ़ सकते हैं। वो किताबें ऐसी होती हैं कि जनाब बच्चे ने सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़नी है और कोई मजबूत नहीं पढ़ना। तो इंग्लिश के लिए नुमान फैसल साहब ने इतने जबरदस्त लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, 3 दफा इनकी स्टूडेंट की पोजीशन आ चुकी है नेशनल एमडी कैट के अंदर, जो ये कराते हैं पेपर में आ जाता है वैसे। सो हमारे सिर्फ लेक्चर्स और लेक्चर नोट्स और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बस ये काफी है। इंग्लिश का पूरा पेपर आपका अनसीन होना है। अब देखिए जब भी पेपर अनसीन आता है ना, अब इंग्लिश को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह तैयार करने की जरूरत ही ना करना, इसका पेपर अनसीन आ रहा है। जब भी पेपर अनसीन आता है ना, तब अनसीन पेपर के लिए आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपका मेथड होता है, ढंग होता है, या आपके पास कोई ना कोई विदर सीखी होती है या अप्रोच होती है, उसके लिए किसी सिलेबस की तैयारी नहीं होती। सेम आइडिया जो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी है, तो इंग्लिश के लिए टॉप ग्रेड डॉट पीके के लेक्चर्स, नोट्स और एमसीक्यू बस काफी है। और लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से मैं ये कहूंगा कि 6 किस्म के सिनेरियोस हैं, हर सिनेरियो को लेके आप सिर्फ 20 MCQs की भी प्रैक्टिस कर लेना तो बस ये काफी है। अब ये ना पूरे जनाब 40 दिन आप रोज बैठ के घंटा घंटा लॉजिकल रीजनिंग पे लगा रहे हैं, बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्या, अगर आप इसकी सिर्फ अप्रोच बननी है, आप जितना मर्जी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन आएगा, वो अनसीन ही आना है। तो अगर आपने 20 MCQs कर लिए कॉज एंड इफेक्ट के, तो आपको कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ जाएगा, और क्रिटिकल रीजनिंग कर लिए तो वो आ जाएगा, नंबर्स वाले कर लिए, सीक्वेंस वाले कर लिए तो वो भी आ जाएगा। सो 20-20 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो वो काफी है। सो मेरे ख्याल में अगर 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो आपने, सिर्फ प्रैक्टिस की हो लॉजिकल रीजनिंग की, दैट्स सफिशिएंट, बस इससे आपका पेपर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसको सर पे सवार ना करना, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में से टाइम को बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऊपर इन्वेस्ट करो, जहां से 85% पेपर आना। मैं ये नहीं कह रहा उनको टोटली इग्नोर कर दो, इनके ऊपर गिने चुने घंटे लगा दो, मे बी 60-70 घंटे इंग्लिश पे। अब देखो ना अगर 40 दिन है और डेली बेस पे अगर आप 14 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके पास तकरीबन 5-60 घंटे बनते हैं। अब 5-60 घंटे में से आप 60-70 घंटे इंग्लिश के ऊपर लगा दिए, बाकी 4 सब्जेक्ट रह जाएंगे, चलो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आप लगा दिए 20-30 घंटे, 100 घंटे से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के चले। अब देखो कि बाकी तकरीबन जो 400 घंटे रह गए हैं, अब इसमें देखिए आपके पास गिने चुने घंटे हैं, अगर आप कैलकुलेट करो ना, आपके पास एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, एनएमडी कैट की तैयारी के लिए गिने चुने घंटे हैं, उन गिने चुने घंटों के अंदर आपने अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो अपनी कर रही है, ठीक है। सो बड़ा वाइजली आपने टाइम को यूज करना है, इसके लिए भी टॉप ग्रेड के लेक्चर्स, रिव्यू नोट्स और एमसीक्यूज काफी है। और अब टाइम है टॉप ग्रेड को ज्वाइन करने का। सो मैं 100% आप सब स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा कि टॉप ग्रेड को आप लोग स्ट्रेट अवे राइट नाउ ज्वाइन कर लो, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट। अब बाद में आपको आई नो कि आपको बाद में जाके रिपेंट भी करना पड़ेगा कि इतनी इतनी कम प्राइस में इतनी जबरदस्त सर्विस है। इसको ज्वाइन करने के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, बल्कि आप लोग यूं करो, कॉन्टेक्ट नंबर का क्या करना है, आप लोग इसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे चैट रूम में अपना जो नेम और मोबाइल नंबर भेज देना, तो मैं टीम को दे दूंगा, वो आपके साथ लेजन कर लेगी, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, चले यहाँ पे 0304-111-5060, या यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लो, वेबसाइट के ऊपर गिवन है ये वाला कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी, तो टॉप ग्रेड को स्ट्रेट अवे ज्वाइन कर लो। अभी आपका अगर थर्ड पेपर पढ़ा भी है, अभी 2-3 दिन 4 दिन इसके साथ लगाओ, कोई साथ दोस्ती करो, इससे कुछ चीजें लर्न करो, और कोई ऐसी वजह नहीं रह जाती आपके पास अकेडमी ज्वाइन करने की। मैं अकेडमी के सख्त खिलाफ हूँ, तो अकेडमी से कोशिश करो कि जान छुड़ा लो अगर आपने दाखिला लेना, आपका दाखिला हो जाएगा, हैव फेथ। टॉप ग्रेड के ऊपर हजारों स्टूडेंट्स कंट्री वाइड वो जो है वो ट्रस्ट करते हैं, 4.9 इसकी गूगल रेटिंग है, वन ऑफ द टॉप रेटेड, बल्कि दी बेस्ट एवर, टॉप हाईएस्ट, टॉप रेटेड हाईएस्ट रेटेड ये रैंक है एवर। तो आई होप कि ये आपकी सारी जो नीड्स है, स्टडी नीड्स, एनएमडी कैट के हवाले से बड़ी फोकस तरीके से कवर करते हैं। हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है इसको यहां तक लाने के लिए। That's all from my side for all of you. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.